YouTube पर 4000 घंटे का वॉच टाइम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो मेहनत करने का फायदा क्या? ये सवाल हर किसी के दिमाग में बना रहता है। लेकिन मुझे कुछ अलग तरह के कमेंट देखने को मिले हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि सर हमारा वॉच टाइम कम होता जा रहा है। पिछले महीने हमने चेक किया था 3200 घंटे का दिखा रहा था, कल हमने चेक किया तो 2900 घंटे का दिखा रहा है। 300 घंटे कहाँ चला गया? अगर आपको भी यही टेंशन है कि वॉच टाइम कम क्यों होता जा रहा है और इसके क्या कारण है, तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बेट, ओनली टेक। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉच टाइम कम हो रहा है या हम देख गलत रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वॉच टाइम कम होने के बहुत सारे कारण है। सारे ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी अपना वॉच टाइम कंप्लीट करके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में देख नहीं पा रहे कि उनका सच में वॉच टाइम कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पर हम जब भी हम YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर चेक करते हैं तो मैं आपको बता दूं लास्ट 28 डेज का ही वॉच टाइम दिखाता है, ठीक है। और अगर हम मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर हमको लास्ट 365 डेज का दिखाता है, अगर हमें एक साल से ज्यादा हो गए चैनल बनाए हुए और हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो। अब ये लास्ट डेज होता क्या है? तो लास्ट डेज का मतलब ये है कि आज जो भी डेट है, आज अगर मैं चेक कर रहा हूं तो आज से लेके पिछले 28 दिन या पिछले 365 दिन, ठीक है, क्लियर हो गया। YouTube ये कहता है कि भाई जब भी आपको अप्लाई करना है चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, उस दिन से लास्ट 365 डेज के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हम कैसे देखें। अब मैं बात करता हूं उन मेन कारणों की जिसकी वजह से वॉच टाइम कम होता चला जाता है। पहला जो मेन कारण है वो है गूगल पर जो गूगल एडवर्ड होता है, इसके थ्रू जब आप वीडियो को प्रमोट करते हैं यूट्यूब पे तो भी आपका वॉच टाइम कम होता है। कैसे, मैं बताता हूं किन कंडीशनों में होता है, हर टाइम नहीं होता। अगर मान लीजिए आपने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, अभी अभी आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, आप उतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाते हैं। अच्छे से मेरा मतलब आपने DSLR से बनाई है, आपकी ऑडियो ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो के जो कंटेंट है उसमें उतना दम नहीं है, ठीक है, आपकी जो आवाज है उतनी अच्छी लोगों को नहीं लग रही है। कुल मिलाकर आपने गूगल एडवर्ड पे लगा तो दिया वीडियो, पैसे भी भैया खर्च कर दिए, थंबनेल भी जबरदस्त लगा दिया, हर कोई क्लिक करता है लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करता, तो इससे आपको वॉच टाइम नहीं मिलता है। जब भी आप गूगल एडवर्ड पे वीडियो लगाएं उसके बाद आप अपने वीडियो का वॉच टाइम जरूर चेक करें कि जो व्यूज मुझे मिले हैं एडवर्ड पे लगाने के बाद उसके हिसाब से क्या वॉच टाइम गेन हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो समझ जाइए वीडियो में कुछ कमी है, क्योंकि वैसे खुद की वीडियो किसी को भी बेकार नहीं लगती है, तो ये एक तरीका है चेक करने का। अब इससे वॉच टाइम कम कैसे होता है मैं बताता हूं। मेरे एक मित्र है, उनका चैनल करीब 2 साल पुराना है और अभी तक उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले साल यानी कि पिछले दिसंबर में उनका वॉच टाइम जो था वो 2000 घंटे से ज्यादा था और अब एक साल बाद मात्र 1450 घंटे रह गया। कैसे, वो बताता हूं। देखिए होता यह है कि मान लो अभी मैंने एक चैनल बनाया और मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई या बेकार वीडियो बनाई वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरी वीडियो सर्च में गई और मैंने करीब 2000 घंटे का वॉच टाइम भी गेन कर लिया। 6 महीने के बाद जब मैं अपना चेक कर रहा हूं तो 6 मंथ में मेरा 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैंने कुछ वीडियोस गूगल एडवर्ड पे लगा दी जिनसे मुझे वॉच टाइम नहीं मिला और मेरे चैनल को 1 साल से ज्यादा हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें लास्ट 365 डेज का ही वॉच टाइम प्लस होगा, उससे पहले का माइनस होता चला जाएगा। तो पहले जो वॉच टाइम मिला था वो माइनस हो गया, अब जो नया व्यूज आए, नया जो साल आया इसमें तो वॉच टाइम जुड़ा ही नहीं, तो वॉच टाइम ऐसे कम हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरा जो मेन कारण है वो एक कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि जब कोई नया नया YouTube पे आता है तो कुछ भी टॉपिक चल रहा होता है उस पर वो वीडियो बना देता है, सोचता है वीडियो वायरल हो जाएगी, हमें वॉच टाइम मिल जाएगा। जैसा अभी रानू मंडल वाला मैटर हुआ था, काफी वायरल हुआ था, उससे पहले JCB वाला हुआ था, काफी वायरल हुआ था। इस तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक समय समय पर यूट्यूब पर आते रहते हैं। तो जैसे हमारा चैनल किसी भी टॉपिक का है लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बस कैसे भी करके हमारा एक बार वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, तो हम क्या करते किसी भी ऐसे एक वायरल टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं। अब हमने वायरल टॉपिक पर वीडियो बनाया और उससे मान लो हमें 2500 घंटे का वॉच टाइम मिल गया, हमारी वीडियो भी वायरल हो गई। अब इससे क्या नुकसान होते हैं वो बता देता हूं। देखो
कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और वीडियो ही टेक डाउन हो जाती है। अगर वीडियो टेक डाउन हो गई तो भी आपका वॉच टाइम माइनस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। दूसरा रीजन, हमारा एक वीडियो तो वायरल हो गया लेकिन इससे हमें मात्र 2500 घंटे का ही वॉच टाइम मिला। अब हमें एक साल पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन हम ज्यादा वॉच टाइम नहीं जुटा पाए, 500 घंटे जुटा पाए, हमारा 3000 घंटे रहा। और जैसे ही 365 डेज से हम आगे जाएंगे, हमारा नया साल बनेगा, तो क्या होगा, वो जो हमारी वीडियो वायरल हुई थी वो वॉच टाइम भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, लास्ट 365 डेज के अंदर ही देख रहा है वो वॉच टाइम, वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे वीडियो वायरल करने का भी मैटर खत्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए मेरा वीडियो, तो भाई मैं टैग की वीडियो बनाता हूं, मैंने टैग का चैनल खोला है और मैं किसी भी रानू मंडल का, मान लो आया ट्रेंडिंग टॉपिक, मैंने वीडियो बना दिया, मेरी वीडियो वायरल हो गई। अब एक वीडियो तो वायरल हो गई लेकिन बाकी की वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, तो सीधी सी बात है वॉच टाइम जुड़ी नहीं रहा। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएंगे, समय होता जाएगा, पुराना वाला वॉच टाइम आपका माइनस हो जाएगा। तो ये भी एक गलती होती है। इसके अलावा एक और गलती होती है, वो गलती ये है कि मान लीजिए हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया हमने और इससे रिलेटेड हमने 4-5 वीडियो और बना दिए, वो जो टॉपिक था वो एक वायरल टॉपिक था, हमने बस वॉच टाइम गेन करने के लिए ही वो वीडियो बनाया और उस वीडियो पे एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पे भी आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक, तो वो तो टेक डाउन हो गई। अब हमने सोचा कि भाई बाकी वीडियो भी हम एक काम करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, अनलिस्टेड कर देते हैं, तो हमारा क्या पता कोई और स्ट्राइक आ जाए, तो हम क्या करते हैं उनको प्राइवेट और अनलिस्टेड कर देते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, यूट्यूब ने क्लियर कर दिया है, जो आपका अब वॉच टाइम नहीं है, ध्यान से देखना, अब वॉच टाइम का मैटर नहीं है, पब्लिक वॉच आवर है, पब्लिक वॉच आवर। तो आप जिन वीडियो को प्राइवेट या अनलिस्टेड कर देते हैं उनका वॉच टाइम भी माइनस हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि यार चलो किसी का भी कॉपी कर करा के एक बार वॉच टाइम कंप्लीट करके बाद में हम जब रिव्यू में भेजेंगे तो उसको प्राइवेट कर देंगे वीडियो को, अनलिस्टेड कर देंगे, तो वहां भी आपका वॉच टाइम कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी कारण है कि हमने वीडियो तो बना दिया, वीडियो बना के हमने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया और बहुत जगह शेयर कर दिया हमने खुद नहीं। अब उसमें यह होता है कि मान लो मैंने टेक वीडियो बनाया या मैंने व्लॉगिंग का कोई वीडियो बनाया और जिसको हमने भेजा है वो देखने का इच्छुक नहीं है, लेकिन हमारा मित्र है तो उसने क्लिक करके कुछ सेकंड देख लिया, तो हमें वॉच टाइम मिला ही नहीं, इससे भी आपका वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा। तो ये कुछ कारण है जिनसे आपका वॉच टाइम कम हो जाता है। आप यहां पे बात करेंगे तो भाई वॉच टाइम कैसे गेन करें, तो इसका एक ही फंडा है कि आप जब भी यूट्यूब चैनल बनाए एक प्लानिंग करें कि मुझे इसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है, इस टॉपिक पर मैं चैनल ईमानदारी से चलाऊंगा और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करें, वीडियोस में एंगेजमेंट ज्यादा हो लोगों का और वीडियो कुछ ऐसी सस्पेंस बनाए कि आपको लगे कि यार लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, नहीं तो 50% 60% तो देखेंगे, जिससे आपको वॉच टाइम ज्यादा मिलेगा। एक और सबसे बड़ी कमी है, कुछ लोग नया नया चैनल बनाते हैं और बहुत स्लो बोलते हैं, कैसे, नमस्कार दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं, इस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा उनमें झिझक होती है, तो जितना स्लो बोलेंगे लोग उसको 2x स्पीड पे करके देखेंगे, तो जितना ज्यादा इस, मान लो किसी 5 मिनट की वीडियो को 2x स्पीड पे देखा जाएगा, पूरा कंप्लीट पे देखा जाएगा, तो भी 2.5 मिनट का ही वॉच टाइम मिलेगा। वॉच टाइम का मीनिंग है आपकी वीडियो पे यूजर ने जितना टाइम बिताया। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड को भी थोड़ा सा मेंटेन करें। आपने देखा होगा बड़े बड़े क्रिएटर बहुत स्पीड से बोलते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट बना रहे। अगर ये सारी चीजें आप अपने चैनल पे फॉलो करेंगे तो आपका वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपका वॉच टाइम जो है कम भी नहीं होगा। अच्छी वीडियोस बनाए, ऐसी वीडियोस ना बनाए जिनको भविष्य में कभी हमें प्राइवेट या अनलिस्टेड करना पड़े और वॉच टाइम हमें खोना पड़े। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, कई बार ये होता है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, आप चैनल रिव्यू में भेज रहे तभी कॉपीराइट आ गया और वीडियो टेक डाउन हो गई, तो वो चैनल रिव्यू में पड़ा रहेगा जब तक उस पे 4000 घंटे कंप्लीट ना होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी, कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना होगी। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।